नेक्स्ट पेशेंट कौन है? अंकुर अरोड़ा सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, मेरा नाम नदिता अरोड़ा है और इसे एडमिट किसने किया? मैंने सर। पेशेंट वाज इन पेन एंड कंप्लेनिंग ऑफ नौजिया। मुझे डाउट हुआ कि शायद अपेंडिसाइटिस है, तो मैंने एडमिट करना ही। सोनोग्राफी की? नहीं सर। तो कैसे पता कि अपेंडिसाइटिस है? इट कुड बी यूरेटिक स्टोन्स। सर पेट के दर्द का कंप्लेंट था, इसीलिए मैंने। इट कुड बी इंटरसेप्शन। सर देयर वाज नो कंप्लेंट ऑफ ब्लड इन द स्टूल्स और दर्द इतना भी ज्यादा नहीं था। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस? सर बुखार हल्का सा भी नहीं था, नो डायरिया आल्सो। डायग्नोसिस सही है, एडमिट करने का फैसला भी सही है। एक सीटी स्कैन करवा लो, मालूम पड़ जाएगा इन्फेक्शन कितना है। यस सर। आप इनकी माँ है? ये अपेंडिक्स की बीमारी को ज़्यादा पालना नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड। स्कैन रिपोर्ट आते शायद ऑपरेशन करना पड़े। आज ओटी खाली नहीं है तो ऑपरेशन कल ही होगा, वैसे पेन कम है तो नो प्रॉब्लम। जैसा आप ठीक समझे। और अगर आप सर एक्चुअली ओटी अवेलेबल है आज? आज ओटी अवेलेबल नहीं है। नहीं सर, एक गॉल ब्लैडर की सर्जरी थी वो कैंसिल हो गई है। ओटी आज अवेलेबल नहीं है, कल ऑपरेशन होगा। डोंट यू डू दैट टू मी एवर अगेन। मेरे पेशेंट्स के सामने मेरी बात काटने की जरूरत मत करना दोबारा। सर मैं तो सिर्फ जब मैं कह रहा हूँ ओटी अवेलेबल नहीं है तो ओटी अवेलेबल नहीं है। सर मुझे बताया गया कि सर्जरी कैंसिल हो गई है तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म करना। डॉक्टर रोमेश, मैं जानता हूँ सर्जरी कैंसिल हुई, जानता हूँ ओटी अवेलेबल है, पर वो बच्चा आज रात यहीं रहेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। सिंपल, अगर आप लोगों को एक कामयाब डॉक्टर बनना है तो याद रखना कि एक प्रोफेशन के साथ साथ एक बिजनेस भी है। इलाज के पैसे लगते हैं, ये मॉडर्न मशीन्स, दवाइयाँ, स्टाफ, ये सब ऊपर से नहीं टपका है, इसे खरीदा गया है पैसे देकर। हॉस्पिटल पैसों पे चलता है, सिर्फ अच्छाई पे नहीं। अगर पैसे नहीं तो हॉस्पिटल्स नहीं, हॉस्पिटल नहीं तो इलाज नहीं। अगर आपको इतनी सहानुभूति है उनके प्रति तो उनसे कहिएगा कि एक महीने के लिए एक्सपेंसिव ब्यूटी पार्लर जाना बंद कर दें, निकल आएंगे पैसे। अगर वो अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकती हैं तो हमसे उम्मीद मत रखिएगा। एक मरीज का पैसा दूसरे मरीज के काम आता है, सो दे वेरी वेल पे फॉर ईच अदर। Do you understand? Yes, sir. Do you understand, Dr. Ramesh? I'm asking you, Dr. Ramesh. Do you understand? Sir, we understand. We all understand. आप जो कह रहे हैं, makes sense. कुछ समझो, कुछ सीखो इनसे। Take it easy. Hey champ, you okay in there? Yup, okay. I'm not scared. Good. एक क्वेश्चन पूछूं? Sure. Ascendipitis के ऑपरेशन में लोग मर भी जाते हैं? Ascendipitis नहीं, appendicitis. और नहीं, इस ऑपरेशन से कोई मरता नहीं, सिर्फ बच जाते हैं। और आपको तो हम बिल्कुल नहीं मरने देंगे। आर यू श्योर? वेरी श्योर। सिर्फ अपेंडिक्स ही है या और कोई कॉम्प्लिकेशन भी? ओनली अपेंडिसाइटिस। लेकिन अगर आप और डॉक्टर अस्थाना चाहे तो हम 10-12 टेस्ट और कर सकते हैं ताकि इस हॉस्पिटल का बिजनेस चलता रहे। रोमेश मैं तो बस, आप तो सब समझती हैं ना। मैं बोर हो रहा हूँ और कितनी देर लेट आ रहा हूँ? बस 10 और मिनट चैंप। वो मैं आपको एक बात बोलूं, लेकिन आप मॉम को मत बताना। शो, मैं सीक्रेट्स रखने में एक्सपर्ट हूँ। वो कहे कि मैं बीमार हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मॉम मेरी वजह से सैड है। वो पहले से ही सैड थी और सैड हो गई। डोंट वरी, यू विल बी फाइन। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बच्चा हूँ। लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि पापा हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि मॉम मेरे सामने नहीं रोती है, वो अकेले अपने बेडरूम में रोती हैं।
आप मुझे ठीक कर दो, मैं बड़ाओं के बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। सिर्फ मॉम के लिए उन्हें बहुत सारे प्रेजेंट्स ला के दूंगा, उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। पापा जैसे उनको छोड़ के नहीं जाऊंगा।